सर्ज रामरथ तैयार किया जा रहा है, जो कि 21 नवंबर को अयोध्या से जनकपुर के लिए निकलने वाली रामबरात में शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर कार सेवक पुरम में कारीगरों द्वारा भव्यता दिया जा रहा है। रामबरात में शामिल होने के लिए देश के कई बड़े संत होंगे। वहीं विहिप ने पीएम मोदी व सीएम योगी को भी न्योता भेजा। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विश्व हिंदू परिषद राम बरात को लेकर बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसमें निकलने वाली राम बरात में राम मंदिर के मॉडल का रथ तैयार किया जा रहा है। यह भारत अयोध्या के कार सेवकपुरम से निकलकर अयोध्या के प्रमुख मार्गों से जनकपुर के लिए रवाना होगी। इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों, भगवान श्री राम काल से जुड़े स्थानों पर पड़ाव भी किया जाएगा। 21 नवंबर को अयोध्या से राम बारात निकलकर 28 नवंबर को जनकपुर पहुंचेगी, जहां राम मंदिर मॉडल की आरती पीएम मोदी सहित नेपाल के राजघराने से जुड़े लोग कर सकते हैं। वहीं 1 दिसंबर को भगवान श्री राम व माता जानकी का विवाह संपन्न कराया जाएगा। वहीं विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद व धर्म यात्रा महासंघ के बैनर तले अयोध्या से जनकपुर के लिए राम बारात निकाली जाएगी, जो कि 1 दिसंबर को जनकपुर में भगवान श्री राम और माता जानकी के वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा व 2 दिसंबर को कलेवा का कार्यक्रम किया जाएगा और 3 दिसंबर को भगवान श्री राम और माता जानकी के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं बताया गया कि इस राम बारात यात्रा में कार सेवकपुरम से 2 रथ को शामिल किया जाएगा। इसमें पहला रथ भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। इस रथ में भगवान श्री राम के विग्रह रूप में विराजमान होंगे। वहीं भगवान श्री राम के स्वरूप को लेकर एक अलग से रथ तैयार किया गया। राम मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया या श्री राम रथ में बनी फिल्मों पर भगवान की मूर्तियां बनाई गई हैं। वहीं बताया कि आने वाले समय में यह रथ मंदिर निर्माण को लेकर एक व्यापक संदेश भी देगा। नवंबर को अयोध्या से धर्म यात्रा महासंघ के बैनर तले श्री राम जानकी विवाह बारात यात्रा निकाली जा रही है, साधु संतों के मार्गदर्शन में, और यहाँ से राम भक्त जाएंगे जनकपुर। जनकपुर में जो है यह कार्यक्रम जो है 21 से यहाँ मतलब 1 तारीख को जो है विवाह उत्सव का कार्यक्रम है, और इसके साथ ही साथ जो है 2 को रामकलेवा होगा और 3 को ये वापसी यात्रा वहाँ से वापस आएगी अयोध्या। तो इस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रम होंगे वहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ से 2 रथ जाएंगे और साथ ही लगभग 1 से 2 दर्जन गाड़ियाँ जाएंगे, वाहन जाएंगे, जिन पर जो है राम भक्त और हमारे संत धर्माचार्य विराजमान रहेंगे। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है अलौकिक है, और इसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और देश के प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया, ताकि वह जनकपुर में उपस्थित आएँ और देखें कि किस प्रकार से भगवान राम जो है विवाह बंधन में बंध रहे हैं माता जानकी के साथ। तो एक अलौकिक और दिव्य स्वरूप जो है वहाँ पर उपस्थित रहेगा और लाखों लोग उपस्थित रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अभिनव कार्यक्रम होगा ये, और इसका जो है चारों तरफ जो है प्रचार भी है कि श्री राम जानकी विवाह यात्रा 5 वर्षों में से निकाली जाती रही है और इस बार भी 5वें वर्ष में जो है निकाली जा रही है।